हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास विथ अवर चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, ओके, एंड what is a good source of energy. Okay, so these all things we studied in the previous lecture. Okay, so let's take a quick revision of what we have studied in the previous lecture. Okay, तो last lecture में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक बार हम revision कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आज की class जो है वो हमारी बहुत ही smoothly run करे, आपको समझ में आए. Okay, तो चलिए, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है आप खुद ही बताइए. हमने ये पढ़ा था कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो, जो कन्वीनियंट हो, जो सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो, ओके, और जो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके. ओके, तो ये सारी जो क्वालिटी है ये एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की पहचान है. ओके, फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी. तो पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि हमें ऐसी फोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना है जो हम सुबह से लेकर जब तक स्कूल का टाइम होता है या स्कूल जाते हैं तब तक हम यूज़ करते हैं. तो हम बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो ब्रश करना होता है. ओके, तो ब्रश करने में हमारी मस्कुलर एनर्जी लगती है. ओके, फिर उसके बाद हम नहाते हैं तो वाटर से हाइड्रो एनर्जी लगती है, पानी से नहाते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं. ओके, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाने को गर्म करते हैं तो वो एक हीट एनर्जी हो जाती. तो बहुत सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो सुबह से लेकर दोपहर तक, जब तक हम स्कूल से नहीं आ जाते थे तब तक यूज़ होती. ओके, तो इनमें से कुछ जो आपके दिमाग में आए वो आप ध्यान करके प्लीज़ लिखिएगा. ओके, तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं क्या कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से. ओके, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है फॉसिल फ्यूल. ओके, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कन्वेंशनल वर्ड का मतलब होता है पारंपरिक. ओके, जो हम देखते आए हैं ट्रेडिशनल हो, जो ओके, जो चला आ रहा है सदियों से, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करते आ रहे हैं सदियों से, दैट इज़ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जो है वो फॉसिल वर्ड से बना है. तो फॉसिल क्या होता है? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसा लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या और कोई लिविंग थिंग हो, जो ज़मीन के नीचे दब चुका है, ओके, उसको हम बोलते हैं फॉसिल. और फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जब लाखों करोड़ों साल तक बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर जो हैं ज़मीन के नीचे दब कर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कार्बन के कुछ ऐसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एनर्जी देते हैं, वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल. जैसे कुछ फॉसिल फ्यूल के मैं नाम बताता हूँ, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया. ओके, तो ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं जो हमारी दुनिया में यूज़ होते हैं. ओके, तो फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं? देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और दबे हुए रहते हैं लाखों करोड़ों साल तक, जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं लाखों करोड़ों साल तक वो दबे हुए रहते हैं और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में. ओके, वो कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरल गैस में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल गैस में. ओके, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एलपीजी में. तो ये सारे चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ज़मीन के नीचे दब दब के ज़मीन के नीचे का जो टेम्परेचर होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, तो वो इन प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देता है फॉसिल फ्यूल्स में. ओके, तो
प्लांट्स और एनिमल्स लाखों करोड़ों साल तक ज़मीन के नीचे दब करके क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। ओके, अब मैं रीड करता जाऊंगा लाइन बाय लाइन और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, इन एंशियंट टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। पुराने ज़माने की बात करें तो जो लकड़ी है यानी वुड, वो सबसे कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी था। मतलब अगर किसी को गर्मी चाहिए, किसी को कपड़े सुखाने हैं, गर्मी चाहिए, रात में ठंड लग रही है, तो सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज़ आती थी पुराने ज़माने में कि लकड़ी जला लो। ओके, तो वुड वॉज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन एंशियंट टाइम्स। ओके, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। बहते हुए पानी से जो एनर्जी मिलती है, हवा से जो एनर्जी मिलती है, वो भी कुछ एक्टिविटीज़ में यूज़ होती थी, बट सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं होती। आज की डेट में आप देखते हैं कि जो वाटर से मिलने वाली एनर्जी है, जैसे जो बड़े बड़े डैम होते हैं, जो बड़े बड़े बांध होते हैं, रिवर्स में जो बड़े बड़े डैम बने होते हैं, तो वो डैम से जब पानी बहुत ही हाइट से नीचे गिरता है, तो नीचे कुछ टर्बाइन लगा दिए जाते हैं, कुछ पंखियाँ लगा दी जाती हैं। वो पंखियाँ पानी के कारण इतना तेज़ी से घूमती हैं, कि उससे रिलेटेड जो जनरेटर लगा रहता है, उस जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगती है। ओके, तो बड़े बड़े डैम्स के नीचे, बहुत बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स के नीचे ऐसे कुछ जनरेटर लगा दिए जाते हैं, ऐसे कुछ पंखियाँ लगा दी जाती हैं, जो पंखियाँ पानी के पड़ने पर घूमती हैं बहुत तेज़ी से, और उनके घूमने से जनरेटर की मोटर घूमती है, और जनरेटर की मोटर घूमती है तो क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो एक डायनमो या जनरेटर लगा रहता है, उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है डैम्स में। तो वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, आप देख सकते हैं कि कैसे वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ओके, ऐसे विंड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कहाँ, आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी यानी विंड मिल देखी होगी। तो ये जो विंड मिल होती है, ये हवा से घूमती है बहुत तेज़ी से, तो इसकी जो पंखियाँ घूमती हैं, तो वो पंखियाँ कनेक्टेड होती हैं डायनमो से या एक जनरेटर से। वो जनरेटर क्या पैदा करता है घूमने से, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, हवा से जो एनर्जी आ रही थी, जो पंखियों को घुमा रही थी। ओके, तो उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कौन, डायनमो या जनरेटर। ओके, तो ये वाटर और विंड किस तरह से एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये मैंने बताया। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस, बिल्कुल हम सोच सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। कोल की खोज हुई, कोल यानी कोयले की खोज हुई, तब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से बूम कर गया, बहुत तेज़ी से फैल गया। कैसे, कोल से सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनर्जी मिलती थी। ओके, कोल को जलाने से जो हीट एनर्जी मिलती है, जो लाइट एनर्जी मिलती है, उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चलती थी। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले ट्रेन्स भी, अभी भी ट्रेन जो हैं कई कोल से ही चलती हैं। ओके, तो कोल से ट्रेन चलती थी पहले, स्टीम इंजन से। ओके, तो कोल से बहुत सारे काम होते थे। तो जैसे ही कोल की डिस्कवरी हुई, तो एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जगह जगह इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को पता था कि हमको सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कोल तो अवेलेबल हो ही जाएगा। ओके, तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे स्तर पर जीवन जीना किसके थ्रू मिला, जैसे ही कोल की डिस्कवरी हुई। क्योंकि कोल से एनर्जी मिली, एनर्जी से इंडस्ट्रीज चली, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमको बहुत ही सारी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की होती हैं, जो यूज़फुल होती हैं हमारे लिए, तो उन चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ ने बनाया और हर एक इंसान तक उन चीज़ों को पहुंचाया गया। तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कैसे कोल जो है उसने एक रेवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट लाया। मतलब एकदम से पूरी दुनिया को ही
कोयले ने बदल डाला। कोयले से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल हर एक इंडस्ट्री करने लगी, हर एक फैक्ट्री करने लगी। ओके, तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो हैं वो चलने लग गई। ओके, इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो अ ट्रेमेंडस रेट। तो ये इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड आने लगी, तो कोल जो है बहुत तेज़ी से यूज़ होने लग गया। तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कोल की जो डिस्कवरी थी उसने कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। ओके, इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ट्रेमेंडस रेट। तो कोयले की डिस्कवरी ने एनर्जी की डिमांड को, पूरी दुनिया की एनर्जी की डिमांड को इतना बढ़ा दिया कि पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई। ओके, पूरी दुनिया को अब कोल और उससे मिलने वाली एनर्जी चाहिए। ओके, ताकि पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो चल सके, वो परफॉर्म कर सकें। ओके, द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाई फॉसिल फ्यूल्स। तो दुनिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए ये फॉसिल फ्यूल्स बहुत तेज़ी से यूटिलाइज होने लगे। मतलब कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो थी। अब देखिए, पेट्रोलियम मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल तो आ ही जाता है, डीजल भी आ जाता है, केरोसिन भी आ जाता है। ओके, कुछ नेचुरल गैसेस भी आ जाती हैं। तो पेट्रोलियम के अंदर ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो कोल और पेट्रोलियम, इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ है पिछले 100 सालों में, 50 सालों में मैं तो बोलूँगा, कि ये ख़त्म होने की कगार पर आ गए। मतलब ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया के लिए सिर्फ ये कुछ सालों तक ही बचेंगे। मतलब आने वाले शायद 70-80 साल तक ही ये पेट्रोल और कोल वगैरह जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। इतना तेज़ी से इंसानों ने यूटिलाइज़ किया है इन फॉसिल फ्यूल्स को कि ये ख़त्म होने की कगार पर आ गए। तो इसीलिए अब जो पूरी दुनिया है वो दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ देखने लगी है। ओके, दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब जैसे पेट्रोल से गाड़ी, डीजल से गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएं। ओके, तो गाड़ियों को अगर इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल और डीजल जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बचाए जा सकेंगे। ओके, आवर टेक्नोलॉजीज वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो और ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं इन एनर्जी सोर्सेज को बचाने के लिए। बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पर आपको पता है कि ये लाखों करोड़ों साल पहले से बनते चले आए हैं ये फॉसिल फ्यूल जो हमको मिल रहे हैं। अब ये अगला पैच बनने में हमको फिर से लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इतने साल तो किसी के पास है नहीं। ओके, ना कोई इतने साल ज़िंदा रह पाता है। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो बचा हुआ है उसको हम बचा कर रखें। सिर्फ यही एक तरीका है। ओके, कि जो फॉसिल फ्यूल बचे हुए हैं उनको बचा कर रखा जाए। ओके, तो इसको बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है फॉसिल फ्यूल्स को। ओके, बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स। इन फ्यूल्स के बहुत ही लिमिटेड रिजर्व्स हैं। ओके, मोस्टली अरब कंट्रीज़ में इन फ्यूल्स के रिजर्व्स हैं। ओके, द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो फॉसिल फ्यूल हैं इनकी सबसे ख़राब बात यह है कि ये नॉन रिन्यूएबल है। मतलब एक बार इनका यूज़ कर लिया गया तो दोबारा इनका यूज़ नहीं कर सकता इंसान। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं। तो प्लास्टिक एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसको पिघला करके वापस दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो प्लास्टिक जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
ओके, बट ये फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक बार यूज़ कर लिए गए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरी गैसेस में कन्वर्ट होकर हवा में चले जाएंगे, इनको वापस से यूज़ नहीं कर पाएगा इंसान। ओके, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सलीके से होना चाहिए, ओके, ताकि ये हमारी आने वाली जनरेशन तक बचे रह सकें। ओके, इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट्स, अगर हम इसी तरह से इन नेचुरल रिसोर्सेज को, इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते रहेंगे इतनी ही तेज़ी से, तो हम बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हम इन फ्यूल्स से हाथ धो बैठेंगे, मतलब हमारे पास किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं बचेगा, हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड, बहुत सारे ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाते हैं, मतलब ढूंढे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढे जा रहे हैं जो पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब की जगह ले सके। ओके, बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, पर इन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इनके अलावा हमारे पास अभी कोई चारा ही नहीं है इनको यूज़ करने के अलावा। ओके, हमें इनको यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, इन फॉसिल फ्यूल्स को हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के और भी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या डिसएडवांटेज होते हैं? फॉसिल फ्यूल जलाने से एयर पोल्यूशन होता है, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। ओके, तो सल्फ़र, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड हवा में जाते हैं। ओके, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हवा में जाके हवा को पल्यूट करते हैं। ओके, हवा को दूषित करते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। ओके, और हवा में जा कर के ये क्लाउड बना लेते हैं। ओके, आसमान में जा कर के ये क्लाउड बना लेते हैं। तो जब क्लाउड बनते हैं तो क्लाउड में होते हैं वाटर। ओके, तो वाटर जब इन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर जब रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर जब रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो वाटर के साथ ये तीनों रिएक्ट करके बना लेते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड बादल में स्टोर हो जाते हैं और जब वो बादल बरसने वाला होता है तो वो एसिड बरसाता है, और वो एसिड जब ज़मीन पर गिरता है बादलों से, जब रेन के फॉर्म में एसिड गिरता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। ओके, आपने एसिड रेन सुना होगा छोटे में, छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा। ओके, तो एसिड रेन कब गिरती है? जब बहुत ज़्यादा पल्यूशन होता है कहीं पर, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण के कारण बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये गैसेस ऊपर आसमान में जाकर के बादल बना लेती हैं। ओके, और इन गैसेस के जो बादल होते हैं, वो धीरे 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 क्या होते हैं, इन गैसेस को स्टोर करते जाते हैं। ओके, और कंडेंसेशन जब उनमें होता है, मतलब जब उनमें पानी स्टोर होने लगता है, तो वो जो पानी होता है, ओके, जब वो पानी स्टोर होने लगता है, तो जो पानी होता है, तो पानी के साथ जब ये तीनों गैसेस मिलती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगी, तो ये एसिड बना लेती हैं ये तीनों ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेती है, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फरिक एसिड बना लेती है। तो ये तीनों एसिड बादल में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और जब बारिश होती है तो ये तीनों एसिड जो है वो बरसते हैं। ओके, ये तीनों एसिड क्या होते हैं? बरसते हैं। ओके, तो ज़मीन पर क्या गिरती है? एसिड रेन गिरती है।
ठीक है, एसिड रेन के गिरने से क्या घाटा होता है, जो ज़मीन की यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो उपजाऊपना है, सॉइल जो प्लांट्स को उगा देती है, तो वो सॉइल की कैपेसिटी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है एसिड रेन से। बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल देखेंगे आप कि जब आज से 500-600 साल पहले या जब वो बना था तो वो एकदम सफ़ेद था, ओके, बट आज की डेट में ताजमहल एकदम गंदा हो चुका है, वो पेल हो चुका है। पेल वो किसकी वजह से हुआ है, जो दिल्ली वगैरह से जो पोल्यूशन होता है व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ का, तो दिल्ली से पोल्यूशन आगरा की तरफ ट्रेवल करता है, ओके, तो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से पोल्यूशन ट्रेवल करता है आगरा की तरफ, ओके, तो वो बादल जो हैं वो आगरा के ऊपर आ जाते हैं पोल्यूशन वाले, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ने सल्फरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लिया है। और जब वो बादल बरसते हैं ताजमहल के ऊपर तो ताजमहल साल दर साल गंदा होता जाता है, ओके, उसकी चमक जो है वो ख़त्म होती जाती है, ओके। तो हमें इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, अपने एनवायरनमेंट को अगर बचा कर रखना है, तो ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमें बहुत ही कम कर देना पड़ेगा, ओके। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू। वी लर्नड इन क्लास 9th अबाउट द एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, सल्फर के, ओके, कार्बन के, तो ये ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ओके, तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड बनाते हैं। दीज लीड टू एसिड रेन, जिससे एसिड रेन बनती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ओके, जो कि वाटर और सॉइल रिसोर्सेस को ख़राब करती है, ओके। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके इफेक्ट को हमको समझना पड़ेगा, ओके, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, ओके, ये क्या लॉस देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, ओके। तो थिंक इट ओवर में इसने बोला है कि हाउ वुड आवर लाइफ चेंज इफ़ वी वुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर एकदम से ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया में बिजली की सप्लाई ख़त्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिले ही नहीं, आपके घर पे लाइट रहना बंद हो जाए, तो क्या होगा, दुनिया एकदम, मतलब हम तो पागल ही होने लगेंगे, एकदम ऐसा लगेगा कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा है हमारा, ओके, ना हम ढंग से पढ़ पाएंगे, ना हम कोई काम कर पाएंगे, सिर्फ दिन में ही काम हो पाएंगे, रात में कोई काम नहीं हो पाएगा, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, गर्मियों में हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी, सर्दियों में हमें सर्दी झेलनी पड़ेगी, ओके, गर्मियों में हम फ़ैन नहीं चला पाएंगे, सर्दियों में हम हीटर नहीं चला पाएंगे, ओके, तो द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन अ कंट्री इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब अगर किसी कंट्री की ग्रोथ को देखना है कि वो कंट्री ने कितना ग्रो किया है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ को अगर आपको देखना है कि किसी भी कंट्री ने कितना ग्रोथ की है, तो आप सिंपली ये देख लो कि उसके उस कंट्री के हर एक कोने तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी 100% पहुंच पा रही है तो वो कंट्री जो है वो फुल्ली ग्रोन कंट्री, ओके। इंडिया में अभी भी ऐसे कई विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं वो लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, ओके। द पोल्यूशन कॉज्ड बाई बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन बी समवॉट रिड्यूस्ड बाई इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस एंड यू बाई यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स से निकलने वाली एनर्जी है उसको हम बढ़ा सकते हैं और उसका फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम कर सकते हैं। कैसे, जैसे जो इंजन बनाए जाते हैं गाड़ियों के, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाए जाएँ अगर, ओके, एफिशिएंसी उनकी बढ़ा दी जाए। मतलब अगर सीधी सीधी सी बात मैं बोलूँ कि अगर एक लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी
40 किलोमीटर चलती है, तो ऐसा इंजन बनाया जाए उस गाड़ी के लिए कि एक लीटर पेट्रोल में वो 60 किलोमीटर चले या 50 किलोमीटर चले, तो उतने ही पेट्रोल में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर अगर कर पाएंगे तो वो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। ओके, मतलब हमें कम साल भर में हम देखेंगे कि हमें जितना पहले पेट्रोल या डीजल यूज़ करते थे हम, उससे कहीं ज़्यादा कम यूज़ किया है हमने। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ गई। ओके, गाड़ी ने एवरेज ज़्यादा दिया है, गाड़ी उतने ही पेट्रोल में ज़्यादा किलोमीटर चली है। ओके, तो एफिशिएंसी बढ़ने से ये फ़ायदे होते हैं। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस इन गैस एंड स्टोव्स एंड व्हीकल्स, डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर फ्यूल्स यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो मेजर फ्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स मेजर फ्यूल्स होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जनरेटर रखे रहते हैं। ओके, उन जनरेटर में लगता है डीजल पेट्रोल। ओके, तो इसी डीजल पेट्रोल की मदद से वो जनरेटर चलता है, और जनरेटर के चलने से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ओके, लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड लेट सी व्हाट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक्टिविटी 4.3 पढ़ते हैं। टेक अ टेबल टेनिस बॉल, एक टेबल टेनिस की बॉल लेनी है, आपने देखी होगी बहुत छोटी सी होती है। ओके, तो उस टेबल टेनिस की बॉल में 3 छेद कर लेने हैं। ओके, अब क्या करना है, आपको एक मेटल शीट से 3 पंखुड़ियाँ बना लेनी। ओके, उन 3 पंखुड़ियों को उस टेबल टेनिस की बॉल में जहाँ पर आपने छेद किए थे वहाँ पर खोज देना है। ओके, लगा देना है। फिर उस टेबल टेनिस की बॉल को ऐसा बना देना है, देखिए जैसे ये दिख रहा होगा आपको, टेनिस बॉल फिटेड विथ मेटल शीट्स, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब देखिए क्या किया गया है कि कुकर है, कुकर से निकलने वाला जो स्टीम है, यानी कुकर से निकलने वाली जो भाप है सीटी के थ्रू, उससे इस टेनिस बॉल में जो हमने पंखुड़ियाँ फिट की थी उसको घुमाया जा रहा है। तो ये टेनिस बॉल और पंखुड़ियाँ ये पंखे की तरह घूमने लगेगी। ठीक है, तो जो डायनमो लगा हुआ है, डायनमो का काम क्या होता है, जैसे ही उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हाथ से अगर आप इस टेनिस बॉल को घुमाएंगे या फिर किसी और चीज़ से घुमाएंगे तो वो जो घूमने वाली एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बल्ब जो है ये जल जाएगा। तो आप यही जो चीज़ है यही बड़े फॉर्म में होती है, बड़े बड़े डैम्स में, जो बड़े बड़े डैम होते हैं वहाँ पर नीचे ऐसे ही फिरंगी लगी रहती है, ऐसे ही पंखुड़ी लगी रहती है। तो वो पंखुड़ी क्या होती है, वो घूमती जाती है जैसे ही उसमें पानी गिरता है। ठीक है, पानी के गिरने से वो घूमती जाती है। ओके, पानी के गिरने से वो घूमती जाती है, तो उसके घूमने से वहाँ पर डायनमो जो लगा रहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और आसपास के एरिया में वही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है। ओके, तो ये एक मॉडल है क्या डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ओके, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो टेम्परेचर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, कैसे, जो टेम्परेचर स्टीम दे रही थी कुकर से जो भाप निकल रही थी वो हाई टेम्परेचर में निकल रही थी, तो वो इस पंखुड़ी को जो हमने टेबल टेनिस की बॉल की जो पंखुड़ी बनाई थी उसको घुमाने में मदद कर रही थी। ओके, उसको घुमाने से डायनमो घूम रहा था और डायनमो के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। दिस इज़ अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये टर्बाइन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यही टर्बाइन यूज़ होती है बड़े बड़े डैम्स में, बड़े बड़े विंड मिल के नीचे। ओके, बहुत बड़ी बड़ी जो पवन चक्कियाँ होती हैं उसके नीचे, बहुत बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उसके नीचे। ओके, द सिंपलेस्ट टर्बाइंस हैव वन मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली। तो जो सिंपल टर्बाइंस होती हैं उनमें एक मूविंग पार्ट होता है जिसको रोटर ब्लेड असेंबली बोलते हैं। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। जो मूविंग फ्लूइड है, जो घूमने वाला फ्लूइड है, वो क्या कर देता है, ब्लेड्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ब्लेड्स घूम सकें। ठीक है, ठीक है, ब्लेड्स आसानी से घूम सकें। दस वी
सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन, हमको कुल मिलाकर पंखे को घुमाना है और वो रोटर जो उससे कनेक्टेड वो अपने आप घूमेगा और डायनमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगा. ओके, विथ स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम अननेसेसिटी द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम अननेसेसिटी इन टूडेज सिनेरियो. ओके, ये एक तरह की नेसेसिटी हो गई है, मतलब जहाँ पर भी डैम्स होंगे, जहाँ पर भी पवन चक्की होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ही होगी. ओके, द वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, मतलब जितने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल होंगे, मतलब विंड अवेलेबल होगी, वाटर अवेलेबल होगा, तो उस हिसाब से उतने ज़्यादा टर्बाइन और उतने ज़्यादा पवन चक्कियाँ वगैरह लगाई जाएंगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकेगी. ओके, वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू रन द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन फॉलोइंग सेक्शंस. तो कैसे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो हार्नेस किए गए हैं टर्बाइन को घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ओके, सो गाइस, ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स और उससे बनने वाली एनर्जी के बारे में जाना. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा. और प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीड करिएगा चैप्टर को बार बार और जो डाउट आए मेरे से पूछिएगा. ओके, कम से कम दो तीन बार, दो ये जो दो पेजेस तीन पेजेस मैंने पढ़ा दिए हैं इनको आप रीड करिएगा. ओके, तो अगले लेक्चर में हम थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं और इनसे एनर्जी कैसे मिलती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच.